40 वनडे मैच खेलने के बाद रोहित कोहली और हेटमेयर में कौन है सबसे ज़्यादा खतरनाक बल्लेबाज, देखें आंकड़े। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले एक दिवसीय मैच में वेस्टइंडीज के लिए सबसे बड़ी जीत के हकदार सिमरन हेटमेयर थे, जिन्होंने चेन्नई में खेले गए पहले मैच में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 11 चौके और 7 छक्के लगाए। सिर्फ 106 गेंदों में अपने करियर के 139 रन बनाए और सबसे बड़ी पारी खेली। इस शानदार पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब भी दिया गया। भारत के खिलाफ सिमरन हेटमेयर का प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहा है। वेस्टइंडीज के हेटमेयर ने अब तक 40 वनडे खेले हैं, तो आइए देखते हैं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और सिमरन हेटमेयर के पहले 40 मैचों में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज रहा है। सबसे पहले देखते हैं रोहित शर्मा के पहले 40 मैचों के आंकड़े। रोहित शर्मा, जिन्होंने 2007 में अपना पहला वनडे डेब्यू किया था, उन्होंने नवंबर 2009 तक 40 एक दिवसीय मैच खेले थे। अपनी 38 पारियों में रोहित 10 बार नाबाद रहे और 24.82 की औसत से 695 रन बनाए हैं। इन 40 मैचों के दौरान रोहित शर्मा ने 4 अर्धशतकों के साथ 70 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली। वहीं सिमरन हेटमेयर के पहले 40 मैचों के आंकड़े देखें तो वेस्टइंडीज के युवा बल्लेबाज सिमरन हेटमेयर ने 19 साल की उम्र में 2017 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला एक दिवसीय मैच खेला था। अब तक हेटमेयर 40 मैचों की 38 पारियों में 3 बार नाबाद रहे हैं, जिन्होंने 39.29 की औसत से 1283 रन बनाए हैं। हेटमेयर ने इस बीच पिछले मैच में भारत के खिलाफ सबसे बड़ी 139 रन की पारी खेली। इसके अलावा 4 अर्धशतक और 5 शतक बनाए हैं। वहीं पहले 40 मैचों के बाद वनडे में विराट कोहली के आंकड़े देखें तो 2008 से 2010 के बीच विराट कोहली ने 40 वनडे पूरे किए, जिनकी 37 पारियों में उन्होंने बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जिसमें विराट कोहली ने 5 बार नाबाद रहते हुए 46.21 के औसत से 1479 रन बनाए। इस दौरान विराट ने 118 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली। इसके अलावा 10 अर्धशतक और 4 शतक भी बनाए। दोस्तों, आंकड़ों के हिसाब से आप यह तो जान ही गए होंगे कि कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज। आपके हिसाब से कौन है खतरनाक बल्लेबाज, आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। ज़्यादा जानकारी और क्रिकेट की अन्य तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।